रात्रि क्लास चल रहा था 19/11/1967। दूसरे पीच की मध्यार्ध में बात चल रही थी भक्ति मार्ग में, तो शास्त्रों में चतुर्युग की आय हुई बड़ी लंबी चौड़ी दिखाई दी है। और वैसे भी वो लिखने वाले शास्त्र खुद भी तो कहते हैं, नीति नीति हम आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो उन्हें 84 जन्म का चक्कर कुछ भी याद नहीं रह सकता है। और ये भी जानते हो कि जो पढ़ाते हैं वो कहां पढ़ करके तो नहीं आते हैं ना, है? क्योंकि यहां तो ज्ञान सागर बाप बैठा हुआ है ना, ऐसे नहीं कि उनको कोई देहधारी मनुष्य पढ़ाता है, नहीं, वो तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उसको कौन पढ़ाएगा, बीज माने बाप। तो बच्चे जानते हैं कि जो बीज चैतन्य होगा उनको तो जरूर सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है, क्योंकि बीज में तो सारा वृक्ष होता है ना, बीज से ही सारा वृक्ष निकलता है। तो बताया, इसीलिए गाया जाता है ना कि जिससे भी पूछो ऋषि मुनि से तो वो बोलेंगे ना, मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान सृष्टि का नहीं है, नेति नेति कहते आए, शास्त्रों में ही लिख दिया। तो भाई तुमको ये आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है तो भाई किस में है? तो ये तो जरूर कह देते हैं कि ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा है। अरे परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है तो फिर सूर्य कौन है? अरे सागर में ज्यादा ज्ञान की रोशनी होती है, है? ज्ञान की गर्मी होती है या सूर्य में ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा रोशनी होती है? ज्ञान को रोशनी कहा जाता है ना, तो सूर्य में ज्यादा ज्ञान की रोशनी होती है, गर्मी होती है, और उस गर्मी को सागर सबसे जास्ती ग्रहण करता है। ऐसे तो नहीं है कि नदियां ग्रहण करती हैं जास्ती, पहाड़ ग्रहण करते हैं, पोखरे ग्रहण करते हैं, तालाब ग्रहण करते हैं, नहरें ग्रहण करती हैं, नहीं, सागर ही ज्ञान को सबसे जास्ती ग्रहण करता है। तो वो ज्ञान का सागर किससे लेता है ज्ञान? उस जड़ सूर्य से लेता है क्या? नहीं, वो तो ज्ञान लेता ही है चैतन्य ज्ञान सूर्य से, है? जैसे वो जड़ सूर्य है, सदा सागर से, पृथ्वी से, पहाड़ों से, नदियों से, मनुष्य मात्र से, प्राणी मात्र से डिटैच रहता है ना, ऐसे ही ये जो ज्ञान सूर्य है ना, हा सभी आत्माओं का बाप, वो तो सदा डिटैच रहने वाला ज्ञान सूर्य है।
तो वो मानेंगे जरूर कि हाँ ज्ञान सूर्य भी कोई है और अति सूक्ष्म है, चैतन्य है, क्योंकि वो जो आसमान का सूर्य है, चांद है, सितारे हैं, वो तो जड़ है और इस सृष्टि पर तो आत्मा रूपी सितारे हैं, है कुल चांद है और इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला सूर्य भी तो कोई होगा, है पार्ट तो बजाता है लेकिन सदैव डिटैच होकर के पार्ट बजा, कोई में अटैचमेंट उसका जाता ही नहीं, तो वो है परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। उसको परमात्मा नाम क्यों लगाई दिया, परमपिता दो नाम क्यों लगाए दिए, वो भी तो बताया ना। परमपिता इसलिए है कि वो सब आत्माओं का पिता है, जो भी बिंदु बिंदु निराकार ज्योति स्टार रूप आत्माएं हैं सब का पिता, उसका कोई पिता नहीं है। और पीछे से परमात्मा शब्द लगाया जाता है, ऐसे थोड़े कि परमात्मा परमपिता कहेंगे कोई नहीं, जैसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, तो कभी ऐसे कहते हैं शंकर शिव भोलेनाथ, कभी नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि जो बाप है उसका नाम आगे और बच्चे का नाम पीछे, तो ऐसे ही परमपिता जो आत्माओं का पिता है शिव, वो इस सृष्टि पर आते हैं, तो इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, क्योंकि मनुष्यों को ही समझाएंगे ना, क्यों और दूसरे प्राणियों को क्यों नहीं समझाएंगे, अरे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कच्छावतार मत्स्यावतार मत्स्यावतार ब्रह्मा अवतार घोड़ा अवतार, क्या क्या अवतार दिखाई दिए जानवरों, अरे भाई चैतन्य ज्ञान का सागर है तो ज्ञान जानवरों को सुनाएगा क्या है, और जानवर ज्ञान सुनेंगे क्या, समझेंगे, अरे यहां तो मनुष्यों में प्रवेश करते हैं है? उनके मुख से जो सुनाते हैं वो भी नहीं समझ पाते, ये जो चार मुखों का ब्रह्मा दिखाया है ना शास्त्रों में, तो चार मुखों का ब्रह्मा भगवान की बातों को समझता है, है? अगर समझता होता तो चारों मुख एक ही बात बोलेंगे ज्ञान की, कि अलग अलग बातें अलग अलग प्रकार से ज्ञान सुनाएंगे, है एक ही बात बोलेंगे, इससे तो साबित होता है ना कि वो समझते कुछ भी नहीं। तो परमपिता तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तमो प्रधान दुनिया में कलयुग के अंत में आता है, तो ऐसी आत्मा को पकड़ता है जो जन्म जन्मांतर है, भले नीचे तो गिरती है, सतो प्रधान से तमो प्रधान तो हर आत्मा को बनना ही है, परंतु फिर भी औरों के मुकाबले सत्य पार्ट बजाती है या झूठा पार्ट बजाती है, सच्चाई का पार्ट बजाती है, सच्चे बाप का बच्चा नंबरवार होंगे ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, है केक जैसे होंगे नंबरवार, तो जो अव्वल नंबर बच्चा है उसका नाम गीता में भी शास्त्रों में लिखा हुआ है शास्त्रकारों ने, क्या हा के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली दो प्रकार की खास आत्माएं हैं, याद है कौन कौन सी है, एक तो क्षर और एक अक्षर, हाँ क्षर माने क्षरित होने वाली, अक्षर माने जो क्षरित होती ही नहीं, पतित होती ही नहीं, शक्ति क्षीण होती नहीं, तो दो प्रकार की आत्माएं हुई ना, तो जो क्षरित होने वाली आत्माएं हैं वो तो ढेर की ढेर है, पशु पक्षी प्राणी जितने भी मात्र हैं भोगी आत्माएं वो सब क्षरित हो,
भोग भोगेंगी तो शक्ति क्षीण होगी ना सुख भोगने से, सभी भोगी आत्माएं। लेकिन जो अक्षर आत्मा है वो कितनी है? है बोलो, अरे लिखो भाई कितनी है? एक। अच्छा, अक्षर आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली कितनी है? लिखते ही नहीं, कहेंगे हम अभी प्रश्न पत्र का जवाब नहीं देंगे। दो। लो, एक कहता एक, दूसरा कहता दो, तीसरा कहेगा तीन। अरे अरे भाई, दो प्रकार की आत्माएं बताई, तो जो अक्षर हैं वो भी दो प्रकार की आत्माएं हैं, हैं तो उनमें अक्षर भी दो हैं कम से कम। क्या? एक तो आत्माओं का बाप अक्षर, और वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो आप समान किसी को तो बना के जाएगा है? हाँ, और टीचर पढ़ाई पढ़ाए और सब फेल हो जाए तो कहेंगे कि टीचर ने पढ़ाया नहीं, टीचर पढ़ाई पढ़ाए और एक निकले फर्स्ट क्लास टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में, तो क्या कहेंगे टीचर ने पढ़ाई पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? तो टीचर जो है सुप्रीम टीचर बाप भी आते हैं तो इस सृष्टि पर आकर के है बताते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु आत्मा, जैसे मैं ज्योति बिंदु हूं ऐसे तुम भी ज्योति बिंदु आत्मा हो, तो तुम निराकारी हो है? आत्मा भी जब निराकारी स्टेज धारण करती है तो निर्विकारी भी हो जाती है, निरहंकारी हो जाती, क्योंकि अहंकार तो देह का होता है ना, तो देह अहंकार भी नहीं होता। जैसे मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, ऐसे तुम आत्माएं भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाती हो है? तो अब नंबर बार बनेंगे कि सब एक साथ बन पड़ेंगे? नंबर बार बनेंगे ना, तो जो अब्बल नंबर है जो ओटे सो अर्जुन, अब्बल नंबर का गायन होता है ना, तो जो अब्बल नंबर मिलता है बाप को बच्चा जो है बस 7 दिन का कोर्स लिया है, अरे 6 दिन भी पूरे हुए और बुद्धि में फट से बैठ जाता है कि मैं देह नहीं हूं, क्या हूं? ज्योति बिंदु आत्मा, और आत्मिक स्थिति में टिकना शुरू कर देता। तो निराकारी बाप है तो निराकारी बाप किससे बात करेगा? निराकारी निराकारी से बात करेगा ना, और निराकारी अरे हाथी हाथी से बात कर लेता है, चींटी है, चींटी देखा होगा ना, चींटी चल रही है एक दूसरे से मोहड़ा मिलाती हैं, बस एक दूसरे से बात हो जाए, चींटी चींटी से बात करेगी, पक्षी पक्षी से बात करेगा, तो निराकार शिव बाप किससे बात करेगा है? जो निराकार पहले बनेगा बस उसी से बात करेगा, तो वो निराकार बाप, वो निराकारी आत्मा जो बनती है भले थोड़े समय के लिए, धीरे धीरे बढ़ेगी ना प्रैक्टिस, क्योंकि अनेक जन्मों की प्रैक्टिस पड़ी हुई है देह अहंकार की, देह से जन्म लिए हैं, है देह का सुख भोगा है विकारी इंद्रियों का, तो एकदम थोड़े ही हो जाएगा, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है आत्मिक स्थिति की, वैसे वैसे वो निराकारी बाप शिव ज्योति बिंदु है सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, उस निराकार आत्मा को है ज्ञान का डोज दे दे जाते हैं। क्या डोज देते हैं है? सुनाते हैं, अरे सुनाते तो हैं ब्रह्मा के द्वारा, किसके द्वारा? हाँ उसके ही द्वारा सुनाएंगे जिसको मुख होगा, और मुख होने के साथ साथ कान होंगे है? सुनेगा तो सबसे पहले वो ही सुनेगा ना, और दूसरों को सुनाएगा तो वो ही सुनाएगा ना, सबसे जास्ती सुनेगा सबसे जास्ती सुनाएगा, तो उसका नाम शास्त्रों में रख दिया कर्म, कर्म माने कान,
वो कर्ण जो है वो किसकी तरफ से लड़ाई लड़ता है, कौरवों की तरफ से कि पांडवों की तरफ से? कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ता है। कौरव नाम क्यों दिया? कौ माने कौआ, रव माने स्वरूप, कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं। ये प्रदर्शनी करो, ये प्रोजेक्टर, ये भाषण करो, ये कॉन्फ्रेंस करो, दुनिया भर की टीवी में चैनल्स में भाषणबाजी है। और भाषणबाजी बस उसी तरह की होती है जैसे दुनिया में आजकल प्रजातंत्र गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, वो कितनी भाषणबाजी करते हैं, करते हैं कि नहीं? भाषणबाजी तो बहुत करते हैं। उनके बापूजी ने भाषणबाजी की ना, क्या कहते थे? राम राज्य लाएंगे। भाषणबाजी किस लिए की? क्या ये अंग्रेजों का जो रावण राज्य है ये खलास करेंगे और राम राज्य लाएंगे। तो उनके बापूजी की बात उन्होंने भी सीख ली और वो भी खूब भाषणबाजी करते हैं। भाषणबाजी करते करते 47 सन 47 से लेकर के अब 2019 शुरू हो गया। कितने साल हो गए पूरे? 70 साल से भी जास्ती टाइम हो गया भाषणबाजी करते करते। राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। अरे दिल्ली को स्वर्ग बनाया कि और ही नरक बनाई दिया? और दिल्ली को तो सारा भारत फॉलो करता है। सारे भारत में प्रजा बहुत दुखी हो रही है कि सुखी हो रही है? अकाल बढ़ता जा रहा है या कम होता जा? बहुत अत्याचारी राजाएं होते हैं, शासन करने वाले, तो उनके राज्य में प्रकृति जो है अकाल डाल देती है ताकि लोगों को पता चले कि ये राजाएं जो है ना कंट्रोल करने वाले बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो अत्याचारी राजाओं के राज्य में अकाल पड़ता है, दुकाल पड़ता है, अतिवृष्टि होती है। तो बहुत भाषणबाजी करते हैं। अब उनकी शूटिंग कौन करते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग करने वाले जो है ना बेसिक वाले तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारी बड़ी भाषणबाजियां, बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। और स्वर्ग बन रहा है कि नरक बन रहा है? स्वर्ग बन रहा है। भीख मांग रहे हैं है कि एकदम जैसे भारत को बाबा ने ऐसा देवताओं का स्थान बनाया जहां भरपूर धन संपत्ति थी, कुछ भी किसी से प्रजा के फोर्थ क्लास प्रजा होगी उसको भी कोई से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं थी। और ये क्या करते रहते हैं? बस बस भीख मांगते रहते हैं है? हाँ ये बात दूसरी है। कोई रायल भीख मांगते हैं, भाई हम ईश्वरी सेवा करेंगे। अरे क्या तुम ईश्वरी सेवा करोगे? तुम पब्लिक को बेवकूफ बनाते जाते हो, उनसे जो पैसा मिलता है वो रिश्वत में देते जाते हो, और रिश्वत दे करके जो है जो अच्छा काम करते हैं उनको डाउन करने के काम करते। जैसे दुनिया में मठपंथ संप्रदाय वाले होते हैं ना, मठपंथ संप्रदाय वाले दूसरे मठपंथ संप्रदाय वाले जो मुखिया होते हैं उनको जान से मरवाने की कोशिश करते हैं, करते हैं कि नहीं? हाँ मरवाए देते हैं। तो ऐसे ही जान से मरवाए दो और उनको जेल में डलवा, जैसे वो कौन आसाराम बापू, उनको क्या किया? जेल में डलवाए दिया। अरे भाई क्यों ऐसे काम करते हो? फिर भी तो वो ज्ञान की बातें सुनाता था ना, है कोई ऐसे तो भ्रष्टाचारी नहीं था जैसे आज की गवर्नमेंट के नुमाइंदे भ्रष्टाचारी हैं, है जो कुछ है, प्यार से मिलता था रुपया, आधो रुपया वो सब इकट्ठा करता था और उससे प्रोग्राम करता था और लोगों को खुश करता था, खुशी खुशी लोग देते थे ना। और ये तो चोर डकैत ऐसे ऐसे हैं बाहर की दुनिया में भी और ब्राह्मणों की शूटिंग करने वाली ब्राह्मणों की दुनिया में भी कितना कितना चोरी चकारी छल छिद्र कपट कितना करते रहते। तो ये भाषणबाजी बहुत करते हैं।
हाँ तो ये बोलेंगे, उनसे पूछो तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा पता है अपनी आत्मा का, कि तुम्हारी आत्मा ने कैसे कैसे क्या क्या पार्ट बजाया। अरे कुछ तो पता होना चाहिए, 80 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। तो कहते हमें कोई ज्ञान अभी तक नहीं, हमारी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा बुलंद पार्ट बजाती है अब्बल नंबर का, वो भी हमको पता नहीं। अरे अब उनसे पूछा जाए तो भाई तुम में नहीं है तो फिर किस में है? है तो वो मानते हैं कि परमपिता परमात्मा में है, है? और परमात्मा परमपिता को बिंदी बताए देते हैं, बिंदी का चित्र रख देते हैं त्रिमूर्ति में, कि वो बिंदी है तीनों कालों का ज्ञान जानने वाली, वो है परमपिता परमात्मा। तो जैसे दुनिया के ऋषि मुनि विद्वान नहीं जानते हैं कि ये दो शब्द क्यों मिला के एक कर दिए गए परमपिता परमात्मा, ऐसे शूटिंग करने वाले ब्राह्मण भी नहीं जानते हैं कि परमपिता अलग और परमात्मा अलग। और देखो गीता में भी लिखा हुआ है, बताया कि दो प्रकार की आत्मा है, एक अक्षर और एक अक्षर। तो अक्षर जो है वो दो हैं, एक तो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, वो भी अक्षर है, और वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से उसको भी अक्षर बनाता है। अक्षर माने अमोघ वीर्य, उसकी शक्ति छीन नहीं होती है, पतित नहीं, पतन नहीं होता है, और पतन नहीं होगा तो जिंदा रहेगा या मर जाएगा। हाँ, शक्ति का छीन होता है इंद्रियों से, चरित होती है इंद्रियां, तो आदमी मर जाता है, और शक्तियों से चरण नहीं होगा तो मरेगा कि जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा। देखो देवताएं, देवताओं का चरण होता था कि नहीं होता था? नहीं होता था। अरे बताओ भाई, देवताओं का चरण होता था कि नहीं होता था? पतन होता था कि नहीं होता था शक्ति का इंद्रियों से? हा? होता था ना। हाँ, धीमी गति से होता था। तो ऐसे थोड़े कहना चाहिए कि नहीं उनका पतन ही नहीं होता, धीमी गति से होता था। तो ऐसे ही है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो पतित होने वाली आत्माएं, भोगी आत्माएं हैं, सुख भोगने वाली, उनकी शक्ति छीण होती है, और उनमें से एक आत्मा ऐसी है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो परमपिता परमात्मा परमपिता शिव आते हैं सृष्टि पर आत्माओं का बाप, तो वो जल्दी से उस बात को समझ जाती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, और उस स्थिति में टिकना शुरू कर देती है, आरंभ कर देती है, अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू करती है। तो उसको गीता में भी नाम दिया है शास्त्रकारों ने परमात्मा। माना दो प्रकार की तो आत्माएं बताई, क्षर और अक्षर, लेकिन क्षरित होने वाली आत्माओं में भी एक आत्मा ऐसी है जिसको परमात्मा कहा जाता है, ये उसकी उपाधि है परम आत्मा। कैसी आत्मा? सुख भोगने वाली आत्मा तो है, भोगी आत्मा तो है, लेकिन कैसी है? है परम पार्टधारी। जितने भी पार्टधारी आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, देह का कपड़ा पहन करके, शरीर रूपी वस्त्र ग्रहण करके, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं, तो उनमें एक आत्मा ऐसी है जो सारी सृष्टि का हीरो पार्ट बजाती है। जैसे हीरे में रोशनी होती है ना, हीरे को तुम धूल में डाल दो तो भी हीरा चमकेगा या नहीं चमकेगा? हाँ, तो ऐसी इस दुनिया में वो देह अभिमान की धूल की मिट्टी के संग के रंग में जन्म जन्मांतर रहता है, ढेर सारे देहधारियों के संग के रंग में आता है, फिर भी चमक मारता है या नहीं? लेकिन लोग समझते नहीं हैं,
वो हीरा हीरो पाटधारी कौन है? कहते हैं बहुत ऊंची आत्मा है। कितनी ऊंची है? कहां रहती है? कहते कैलाश पर्वत पर ऊंचे पहाड़ पर। अरे भाई, मनुष्य आत्मा है तो मनुष्यों के बीच में रहेगी कि पहाड़ पर रहेगी? मनुष्यों के बीच में ही रहती है, लेकिन ऊंचा पहाड़ बन जाती है, इसलिए हीरो पार्ट तैयारी कहा जाती है। तो वो जो परमात्मा है उसका नाम परमपिता के साथ जोड़ा जाता है, ऐसे ही जोड़ा जाता है जैसे शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है, बड़े का नाम पहले और बच्चा है, बड़ा बच्चा है ना, तो उसका नाम बाद में। तो सो भी ये तुम बच्चों को समझाया है कि वो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, और तुम जानते हो कि हाँ वो सूर्य नहीं है, क्या है? सागर है। हाँ, टाइटल शास्त्रकारों ने दे दिया है, बोल दिया है कि भगवान आते हैं तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सूर्य को ज्ञान देते, माने जिसको ज्ञान देते हैं उसको अपना टाइटल देके जाते हैं। क्या? मेरा है काम सूर्य समान, तो तुम्हारा भी ये टाइटल है। बच्चे को टाइटल मिलता है ना बाप का, ऐसे ये टाइटल मिल गया। तो तुम बच्चे जानते हो कि वो सूर्य नहीं है, वास्तव में वो सागर है। सूर्य की सबसे जास्ती रोशनी कहो, सबसे जास्ती गर्मी कहो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अगर लेने वाला है तो कौन है? वो जड़ सूर्य की रोशनी वाला लेने वाला जड़ सागर है, और चैतन्य ज्ञान सूर्य की रोशनी लेने वाला चैतन्य सागर है कि नहीं? हाँ, तो क्योंकि वो चैतन्य सागर बीज रूप आत्मा है ना, कोई जड़ सागर इतना बड़ा थोड़े ही है। जड़ चीज बड़ी होती है और आत्मा तो सूक्ष्म होती है, तो वो बीज रूप आत्मा है मनुष्य सृष्टि की। कैसी है? सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप। क्या? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती चैतन्य रूप में पार्ट बजाने वाली है, सबसे जास्ती सच्चाई का पार्ट बजाने वाली, और सबसे जास्ती आनंद में रहने वाली और दूसरों को भी आनंद देने वाली आत्मा है। तो वो बैठ करके समझाया है बाप ने। कौन से बाप ने? आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर शिव ने ये समझाया। क्या? कि वो सागर है। नहीं तो इन सब बातों का जरा भी मनुष्यों को, उनकी बुद्धि में वो कुछ भी नहीं है, है? जैसे के यानी तुच्छ बुद्धि है। हाँ, जैसे परमात्मा को टाइटल बाप देते हैं तो परमात्मा की बुद्धि को तुच्छ बुद्धि कहें? नहीं, शास्त्रों में भी लिखा है त्रिनेत्री, उसको मूर्ति को तीसरा नेत्र दिखाते हैं कि नहीं? कौन सी मूर्ति को? अरे कोई मूर्ति है जिसको तीसरा नेत्र दिखाते हैं? शंकर की मूर्ति को तीसरा नेत्र दिखाते। कोई कहेंगे अकेले शंकर की मूर्ति को थोड़े ही तीसरा नेत्र दिखाते हैं, हैं? महाकाली को भी तो तीसरा नेत्र दिखाते हैं। अरे हाँ, दिखाते हैं महाकाली को तीसरा नेत्र, वो भी तो उसे तीसरा नेत्र किससे मिलता है, किससे मिलता है? अरे बता, महाकाली को जो तीसरा नेत्र मिलता है ज्ञान का, वो किससे मिलता है? हाँ, वो महाकाली जो है जगदम्बा कही जाती है, है? और जो बाप है वो जगत पिता है। जगत पिता माने बीज हुआ ना, पिता हुआ ना, तो जगदम्बा को देने वाला कौन? जगत पिता। हाँ, तो बताया इन सब बातों का वो किसी को ज्ञान नहीं है, उनको कहेंगे तुच्छ बुद्धि। और श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि कहेंगे वो हीरो पार्टधारी की,
है। किसने बात को जल्दी समझ लिया क्या कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। अभी अपने ऊपर आओ कि बरोबर तुम्हारी बुद्धि क्या थी है? दुनिया की बात छोड़ो, दुनिया के ऋषि मुनियों की बात छोड़ दो, शास्त्रकारों की है? तुम ब्राह्मण ब्रह्मा के जो बच्चे बने हो ना, हाँ, तो अपने ऊपर अपनी बात सोचो कि बरोबर तुम्हारी बुद्धि पहले क्या थी? तुच्छ बुद्धि थी के सालिम बुद्धि थी? क्या थी? तुच्छ बुद्धि थी। तुमको कुछ पता था क्या कोई भी चीज का? नहीं, कुछ भी पता नहीं था। वो कहेंगे ना कि अरे हाँ हमारी तो तुच्छ बुद्धि थी। कहेंगे कहेंगे क्यों कह दिया है? अभी नहीं है तुच्छ बुद्धि क्या जो कह दिया? कहेंगे और भगवान के मुख से निकला कहेंगे तो बाद में कहेंगे तुच्छ बुद्धि है कि हमारी तुच्छ बुद्धि थी। तो जब कहेंगे हमारी तुच्छ बुद्धि थी तो उससे पहले तुच्छ बुद्धि हुई या नहीं हुई? अभी क्या कहेंगे, तुच्छ बुद्धि या श्रेष्ठ बुद्धि? अभी क्या कहेंगे है? क्या कहेंगे? अगर कहेंगे श्रेष्ठ बुद्धि तो श्रेष्ठ बुद्धि को पहचान लिया होगा। ओ त्रिनेत्री है, ओ जो बच्चा है ना शिव बाबा का बड़ा बच्चा, हाँ, जिसका नाम शिव बाबा के साथ जोड़ा जाता है हमेशा और ना किसी का जोड़ा जाता है, तो उसको पहचान लिया होगा, पक्का पक्का पहचान लिया होगा कि माया बुलाई देती है, है? माया ठगिनी, माया ठगिनी है ना, वो बुलाए, मौसी है ना, मौसी, हाँ तो बुलाई देती है। हाँ नाराज हो जाते हैं तो कहां जाते हैं? हाँ, अम्मा बापा के पास नहीं अच्छा लगेगा। कौन ज्यादा प्यार करती है? मौसी प्यार करती है। समझा कि नहीं? पक्का पक्का समझा? हाँ मौसी के पास चले जाते हैं। तो वो कहेंगे ना तुच्छ बुद्धि थी, कहेंगे वो, कहेंगे कौन? ब्राह्मण बच्चे कहेंगे आगे चल करके, अरे कि हमारी तुच्छ बुद्धि थी। उस बुद्धि को स्वच्छ बुद्धि कैसे बनाया जाता है, है? कैसे का जवाब दो है? या पत्थर बुद्धि को फिर पारस बुद्धि कैसे बनाया जाता है, है? ये तो तुम बच्चे समझ सकते हो ना कि पारस होगा तो पारस बनाएगा, और पारस होगा ही नहीं तो दूसरों को पारस बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो बताया, तुम बच्चे अच्छी तरह से समझ तो सकते हो ना, और तो कोई नहीं समझेगा। सो भी जो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करते हैं, कौन सा पुरुषार्थ? पढ़ाई का, ज्ञान का, योग का, धारणा का, दूसरों की सेवा का अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, वो उन्नति को पाते रहते हैं। म्यूजिक बजा तो कमाई है, और पूरा आधा कल्प के लिए पूरी कमाई है, है? जिस कमाई में आधा कल्प के लिए सुख शांति, सुख शांति का भंडार है, दुख और शांति का लेश मात्र भी नहीं होगा। इसको फिर कहते हैं सच्ची कमाई। क्या क्या कहते हैं? सच्ची कमाई या झूठी कमाई? ये हुई सच्ची कमाई। वो दुनिया में जो पढ़ाइयां पढ़ाते हैं वो तो एक जन्म की पढ़ाई, और वो एक जन्म भी कल बताया ना कि काम आवे या ना आवे, हाँ, तो और वो भी चोर डकैत लूट ले जा रहे हैं, सरकार छीन ले जा रहे हैं, जमीन में जमीन हेले तो कहां का कहां चला जावे, आग जला जावे, तो वो तो अल्पकालिक की कमाई है। और तुम्हारी तुम्हारी सच्ची कमाई है तो सच्ची चीज तो स्थाई रहेगी या क्षणभंगुर सुख देगी? स्थाई सुख देती है। जब मरते हैं ना मनुष्य
तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं मनुष्य जब मरते हैं दुनिया में तो क्या कहते हैं अरे कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, भक्ति मार्ग में परंपरा बनी हुई है, संगम युग की यादगार परंपरा बनी हुई है, राम नाम सत्य है कहते हैं ना। ये थोड़े कहते हैं हनुमान नाम सत्य है, गणेश नाम सत्य है, महाकाली नाम सत्य है, लक्ष्मी नाम सत्य है, ऐसे कहते हैं नहीं। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम संग है, ऐसे बोलते हैं। यानी राम नाम कौन सा राम? मेरा नाम तो शिव बाप है, बिल्ली गॉड फादर कहते हैं, मेरा तो एक ही नाम है, वो कभी बदलता नहीं। क्या नाम है? मेरी आत्मा का नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। हाँ, और जब मैं शरीर में प्रवेश करता हूं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर, तब मेरा नाम बदल जाता है। तो बताया, तो मेरा नाम राम है क्या? कौन सा राम? मुझे राम कहेंगे? मुझे राम नहीं कहेंगे, मेरा नाम तो शिव ही है। हाँ हाँ, मैं राम वाली आत्मा में प्रवेश करता हूं, जैसे कृष्ण वाली आत्मा में प्रवेश करता हूं, तो चार मुखों के संगठन बनाने वाला जो ब्रह्मा है ना, उसमें प्रवेश करके पाठ बजाता हूं, चौमुखी ब्रह्मा में पाठ बजाता ना। और जैसे कहा इन शास्त्रों में है, शास्त्रकारों ने उसी चौमुखी वाले ब्रह्मा को पहचान है, अधोमुखी ब्रह्मा को पहचान लिया। तो राम कौन सा फिर? वो तो ब्रह्मा, चौमुखी ब्रह्मा, चार मुख वाला तो कृष्ण, सतयुग में 16 कला कृष्ण बनेगा, फिर राम कौन? तो त्रिमूर्ति में बताया कि ब्रह्मा का पाठ बजाने वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा, और शंकर का पाठ बजाने वाली आत्मा राम वाली आत्मा। हाँ, तो राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो सतयुग में जो बच्चा पहला पहला पैदा होगा बाप का, मनुष्य सृष्टि का बाप है ना राम बाप, तो उसका जो पहला पहला बच्चा होगा वो है बच्चा, बच्चा बुद्धि, और बाप तो सालिम बुद्धि होता है ना। हाँ, तो जो ये जो राम है, वो राम उस हीरो पाठधारी आत्मा की बात है, बाकी वो त्रेता वाला राम नहीं। त्रेता वाला राम तो 14 कला संपूर्ण, वो अभी 14 कला संपूर्ण है, अभी तो कलाहीन हो जाता है, कलाहीन हो जाता है। तो फिर कलाहीन चंद्रमा होता है कि कलाहीन सूर्य होता है? अरे उन शास्त्रकारों ने तो नाम दे दिया है कि भगवान ने आकर के सूर्य को ज्ञान दिया, विवश्यत नाम दे दिया। नहीं, अरे भाई, जैसे कहते हैं कृष्ण चंद्र, वैसे ही क्या कहते हैं? राम चंद्र। माने राम वाली आत्मा भी चंद्रमा के रूप में पाठ बजाने वाली है, वो भी 16 कला संपूर्ण बनती है सतयुग के आदि में है। सतयुग शुरू होने से पहले पहले जन्म में कलातीत बनती है, और जब एक्यूरेट सतयुग शुरू होता है, जहां 16 कला संपूर्ण कृष्ण का जन्म होता है, तो फिर वो भी 16 कला संपूर्ण कहेंगे कि कलातीत कहेंगे, अतीन्द्र सुख भोगता है नहीं, वो भी बच्चों के साथ ही चलेगा ना। तो बताया वो राम वाली आत्मा, तो देखो ये शुरुआत की गाई जाती है क्या? संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम में जब बाप आते हैं, तो उस समय नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं, तो उस समय की बात गाई जाती है कि राम नाम संग चलता है स्वर्ग में। क्या राम वाली आत्मा संग चलेगी या नहीं चलेगी है? कि विष्णु लोक में ही ठहर जाएगी है? वैकुंठ में ठहर जाएगी? नहीं, राम नाम संग चलता है स्वर्ग में, अमर लोक में। ये तो ठीक है ना बच्ची है? ठीक बात है कि गलत बात है? ठीक बात है।
और बाकी तो संग है नहीं। या सृष्टि के आदि में जो आत्माएं एक्यूरेट सतयुग में प्रवेश करेंगी उनके साथ कौन होगा? मुखिया। अरे वो सबका मुखिया होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह पक्षी भी उड़ते हैं तो उनका मुखिया होता है। कबूतरों को देखा, तोतों को देखा, तो एक तोता आगे आगे भागेगा, दौड़ेगा, उड़ेगा। कबूतर भी ऐसे ही आगे आगे जो उड़ेगा उसके पीछे पीछे सब उड़ेंगे। तो ऐसे ही भेड़ों का, बकरियों का ऐसे झुंड होता है, उनका कोई नेता होता है। तो ये भी है जो सतयुगी नई दुनिया है उसमें जाने वाला कोई पहली पहला होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो है राम नाम संग। किसके संग? तुम बच्चों के संग। तुम बच्चे किसे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको कहा जाता है तुम बच्चे। तो तुम बच्चे अमर लोक में जाते हो तो किसके संग जाते हो? शिव बाप के संग जाते हो। अरे शिव बाप के संग जाते हो? नहीं, किसके संग जाते हो? राम नाम संग। राम वाली आत्मा जो है ये सृष्टि रूपी रंगमंच का बाप, हीरो पाठधारी मनुष्य सृष्टि का बाप, उसके साथ अमर लोक में जाते हैं। हाँ, बाकी तो और कोई संग कैसे कहेंगे है? तो ये सच्ची कमाई शिव बाबा का नाम है, नाम राम नाम दान देते हैं। क्या भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में नाम चलता है। वो बेचारे जानते ही नहीं नाम किस आधार पर चलता है। अरे कोई अच्छा काम करके जाते हैं तभी तो उनका नाम बाला होता है, नाम चलता है, है? अच्छे काम किए ना, शिवाजी ने अच्छे काम किए, राणा प्रताप ने अच्छे काम किए, महारानी लक्ष्मीबाई ने अच्छा काम किया स्वतंत्रता पाने के लिए, है? हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने अच्छा काम किया, तो उनकी मूर्ति बनाते हैं, है? उनका नाम गाते हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने बलिदान दिए। तो नाम का दान देते हैं, बेचारे ये नहीं जानते कि भक्ति मार्ग में नाम का इतना महत्व क्यों कर दिया है। जानते ही नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिस काम के आधार पर उनका नाम इतना चल पाता है। तो बोलते हैं राम नाम का दान दो। हाँ, तो वो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? कागजों पर लिखते रहेंगे राम 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 राम, और उसकी चिटकियां छोटी छोटी काटेंगे एक एक नाम की, और आटे की गोलियां बनाएंगे उसमें वो छोटी सी चिटकी डाल देंगे और जाके सागर में मछलियों को खिलाएंगे। क्या राम नाम का हमने दान किया है, हजारों मछलियों को दान किया। ऐसे राम नाम दान देते हैं। क्या देते हैं? राम का नाम दान देते हैं कि राम नाम कहो, राम नाम कहो। तो बोलते हैं कि राम नाम का हम दान करते हैं। अरे नाम का दान करने से क्या होगा? राम ने जो काम किया वो काम करके दिखाओ ना, उससे फायदा होगा तुम्हारा, और जिसको तो तुम्हारे फॉलो करेंगे, तुम्हारे फॉलोअर्स, उनका भी कल्याण होगा। तो अभी राम नाम का दान तो तुम बच्चे नहीं देते हो, हैं? ये तो बहुत सहज भक्ति मार्ग में मिल जाता है। ऐसे भी सभाएं होती हैं ना कि राम का नाम का दान देते हैं, हैं? महात्मा जी आएंगे, कहेंगे राम 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 राम। एक बाबा थे, वो जिस गांव में जाते थे, शहर में जाते थे, गली गली राम रमैया राम 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 रमैया राम रमैया राम रमैया, वो बोलते राम रमैया बाबा आ गया। हाँ। तो ऐसे भी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, राम नाम का दान देते हैं, कीर्तन करते हैं ना, तो राम राम बोलते रहते हैं, जैसे सारंधा बजता है ना, ऐसे राम नाम का नाम बोलते रहते हैं। ये सब भक्ति मार्ग का विनाशी दान है। क्या
इस विनाशी दान से कोई का कुछ भी कल्याण नहीं होता है। ये सृष्टि गड्ढे में जाती है कि ऊपर जाती है, सुख बढ़ता है या घटता है? घटता जाता है। अरे ये तो बाप है, है? अविनाशी बाप। कैसा बाप? कौन सा बाप? ऊपर वाला बाप। अच्छा, ऊपर वाला बाप बिंदी, ये बाप है? अरे वो बिंदी बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता, जैसे अकेली आत्मा कुछ नहीं कर सकती बिना शरीर के, वैसे वो आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु भी कुछ नहीं कर सकता। वो जब तक कोई शरीर का आधार न ले, हाँ तब तक कोई काम थोड़े ही कर पाएगा। इस गीता में लिखा है, मैं आता हूँ तो मैं प्रवेश, तुम मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं, तो मैं नहीं प्रवेश कर सकता हूँ? मैं भी प्रवेश करता हूँ। तो आते हैं, हैं? और ये बाप अविनाशी बाप है। कैसा बाप? जिसमें आते हैं उसको भी अविनाशी बनाते हैं, या आज है और 84 जन्म के बाद तुम बच्चों की तरह खलास हो जाएगा शरीर से? नहीं, शरीर भी रहेगा और आत्मा भी रहेगा। कहते भी हैं, तुम बच्चों को समझाते हैं ना, तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक बाप आया। तो एक बाप तो शिव बाप है, हेवनली गॉड फादर। वो तो एक को ऐसा बनाता है कि एक सेकंड भी सृष्टि पर बिना आत्मा और बिना शरीर के नहीं रहता। बाकी दो बच्चे हैं, नंबरवार हैं, है कि नहीं? तो बाकी बच्चों का जो शरीर है वो कुछ न कुछ समय के लिए बर्फ में ऐसे नहीं खलास हो जाता है, रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो बच्चों का भी अविनाशी कहेंगे या विनाशी कहेंगे? भले नंबरवार है तो भी क्या कहेंगे, शरीर भी अविनाशी। तो अविनाशी दान देते हैं बच्चों को, क्या शरीर रूपी नैया भी अविनाशी और शरीर रूपी नैया में बिठाने बैठने वाली आत्मा भी बिठैया भी अविनाशी, और देने वाला दान शिव बाप भी, जो उस शरीर मुकर्रर रथ में आकर के देता है वो भी अविनाशी। तो बताया कि वो शरीर रूपी रथ जो है वो क्या हुआ, पारसनाथ, उसका गायन है। जैनियों में भी गाते हैं क्या, जैसे भगवान के 24 अवतार हिंदुओं में माने जाते हैं ना, ऐसे जैनियों ने भी नकल की है क्या? हाँ, 24 अवतार भगवान के, उनमें एक अवतार दिखाया पारसनाथ, पार्श्वनाथ। पार्श्व का मतलब पास में बैठने वाला, संग का रंग अच्छे से लगे है, कहते ना उपासना करना है, गुरु की उपासना करना, उपमाने नजदीक, आसन माने आसन मार के बैठेंगे तो गुरु के जो गुण हैं शक्तियां हैं वो हमारे अंदर भी आएंगी। तो ऐसे ये अविनाशी दान देते हैं बच्चों को। अब ये दान देते हैं या नहीं? नहीं देते हैं? देते हैं, हाँ, अविनाशी दान देते हैं। अविनाशी धन देते हैं, कौन सा धन? ज्ञान रत्नों का अविनाशी धन, सच्चे ज्ञान रत्नों का धन देते हैं या झूठ का देते हैं? झूठ को तो अज्ञान कहा जाता है, ज्ञान को ज्ञान कब कहेंगे? सच्चाई हो तो ज्ञान कहेंगे कि झूठ भी मिक्स हो तो ज्ञान कहेंगे? हाँ, सच्चाई को ही ज्ञान कहा जाता है। गीता में भी लिखा हुआ है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत्य का कभी विनाश नहीं होता है, न सत्य ज्ञान का विनाश होता है, न सत्य धर्म का विनाश होता है, और न सत्य जो धर्म पिता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, सच्चे धर्म का स्थापना करने वाला, उसका भी विनाश नहीं होता है। और जो संगी साथी है सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने में, सच्चे सच्चे साथी बनते हैं, उनका भी विनाश नहीं होता है। तो वो भी तो दान हुआ ना। हाँ देखो ना, तुमको ये रतन मिलते हैं, क्या ये ज्ञान रतन है,
इन ज्ञान रत्नों की पहचान इनको ज्ञान बाण कहो। किसको दिखाते हैं ज्ञान? कहते हैं राम को ज्ञान बाण दिखाते हैं। तो नाम भी देते हैं राम बाण दवा, तो कोई स्थूल दवा देते हैं क्या? और राम वाली आत्मा कोई स्थूल दवा थोड़े ही देती है, ये तो ज्ञान के रत्नों की दवा है, है? तभी तो धन हो जाता है ना, कि नहीं हो जाता? ज्ञान रतन जो है वो ही तुम्हारे सच्चे रत्न बन जाते हैं। हाँ, मीठी मीठी सिकिले रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप का क्या? जिस्मानी बाप का नहीं तो तुम समझ लो के जो जिस्मधारी हैं, देहधारी मनुष्य हैं, उनका बाप प्रजापिता या आदम, एडम, अर्जुन, आदिदेव, आदिनाथ, वो नहीं। कौन से बाप का? रूहानी बाप, रूहों के बाप का। याद प्यार, गुड नाइट। फिर साथ में दादा का भी बोला, तो दादा के साथ रूहानी शब्द नहीं लगाते हैं। क्यों? दादा एक होगा परिवार में या दादा अनेक भी हो सकते हैं? एक ही होगा। अच्छा, जो घर में चार पांच बच्चे हों, चार पांच बच्चियां हों, तो उनसे बड़े बड़े जो हैं वो उनके दादा नहीं हुए? नहीं कहेंगे दादा? अरे कहेंगे कि नहीं? हाँ, तो वो सब दादागिरी दिखाने वाले हैं, बड़े बड़े अहंकारी होते हैं। हाँ, उनमें सबसे बड़ा अहंकारी है वो। जब ज्ञान में आता है तो भी उसका जन्म कहाँ होता है? उसका जन्म ही होता है अहमदाबाद। क्या? सबका, जितने भी दादा कहे जाने वाले भाई बहन, दादा दादा कहते हैं, दीदी कहते हैं, हाँ दीदी भी कहते हैं, दीदी तो दीदी, दादागिरी नहीं दिखाती है, स्त्री चोरा वाले थोड़े ही दादागिरी दिखाते हैं। हाँ, भाई लोग दादागिरी दिखाते हैं। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है ना इस दुनिया में, तो दादागिरी दिखाएंगे ना? हाँ दिखाते हैं। तो बताया वो दादा का याद प्यार, कौन से दादा का? हा? जो आत्मिक स्थिति धारण करने वालों में बड़े ते बड़ा भाई है उस दादा का। लेकिन वो रूहानी बना नहीं है अभी। रूहानी बना है? अभी रूहानी नहीं बना, तो इसलिए उसके नाम से पहले रूहानी दादा नहीं लगाते हैं। क्या? बाप के आगे रूहानी बाप और दादा के आगे रूहानी नहीं लगाते। दादा का भी याद प्यार, गुड नाइट। याद प्यार दोनों देते हैं, जिस्मानी भी देते हैं और रूहानी भी याद प्यार देते हैं। ओम शांति।